हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस ब्लास्टुलेशन योर टॉपिक। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मोरूला 16 सेल हो जाती हैं, 16 सेल हो जाती है। अगर बात करें ब्लास्टुलेशन की, ब्लास्टुलेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो ब्लास्टुलेशन में तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला क्या कहलाता है, ब्लास्टुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो पहले तो आपको मोरूला बनेगा, ब्लास्टुलेशन यानी कि इस प्रकार से समझिए कि सबसे पहले आप क्या बनेगा, ये जायगोट है। जायगोट के बाद ये इतनी बड़ी स्ट्रक्चर है कि थोड़ा सा बिग हो गई है। थोड़ा सा समझाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, लेकिन रहेगी कितनी बड़ी, इतनी ही बड़ी रहेगी आपकी ये स्ट्रक्चर। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये दो गैमीट हैं आपस में, जिसके आपस में टू सेल स्टेज। ये आपका ब्लास्टोमेयर बनने स्टार्ट हो गया। क्या बनने स्टार्ट हो गया, ब्लास्टोमेयर बनना स्टार्ट हो गया। ये कितनी बन जाएगी, 4 सेल बन जाएगी स्टूडेंट्स। क्या बन जाएगी, ये आपके क्या हो गई, ये आपके ब्लास्टोमेयर्स बनने स्टार्ट हो गए। 4 सेल हैं इसकी, कितने सेल हैं, 4 सेल स्टेज। अब ये किस में हो जाएगा, ये आपका 8 सेल में हो जाएगा। फिर इससे क्या बनेगा, 8 सेल में हो जाएगा। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से समझेंगे। फिर ये क्या बनेगा, 8 सेल बन जाएगा। 8 सेल से फिर आपका क्या बनेगा, मोरूला बन जाएगा 16 सेल्स का। उसके बाद ब्लास्टुलेशन होगा, क्या होगा, ब्लास्टुलेशन होगा। इन 16 सेल का जो मोरूला बना, इसका क्या होगा, ब्लास्टुलेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला यानी कि फ्रॉम मोरूला से, किससे बनना है, मोरूला से। तो ब्लास्टुला इज अ होलो स्ट्रक्चर, कैसी होती है, होलो स्ट्रक्चर एंड इट्स कैविटी कार्ड क्या कहती है, ब्लास्टोकोइल कहलाती है। तो द ब्लास्टुला ऑफ मैन एंड मोस्ट ऑफ द मैमल्स इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है, ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। उसके बाद आता है गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन क्या है, तो गैस्ट्रुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग गैस्ट्रुला फ्रॉम किससे, ब्लास्टोसिस्ट से। अब इससे बनेगा, क्या बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा। तो वो क्या कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन कहलाता है ये प्रोसेस। तो गैस्ट्रुला कंटेन द 3 प्राइमरी जर्म लेयर बनती है, आपका एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है। ठीक है, जितने भी और ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं बॉडी के ऑफ द इंडिविजुअल आर डिराइव्ड फ्रॉम द 3 जर्म लेयर से ही बनते हैं। ठीक है, इन्हीं 3 एकल से, आपके एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बनते हैं। जिस प्रकार के स्ट्रक्चर हमारी फॉर्मेशन बनकर तैयार होती है, ये आपका क्या है, गैस्ट्रुला बनकर तैयार हो गया। तो ये लेयर्स क्या करती हैं, इनके द्वारा क्या होते हैं, निर्माण होते हैं ऑर्गन्स के, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के। अब डिस्कस करेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा से क्या होता है, जो आपका गैस्ट्रुला है वो जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा किससे, यूट्रस से स्टिक हो जाएगा। और प्लेसेंटा से वो क्या करेगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है, पोषण की मात्रा है, फूड अबुक्स के द्वारा लेगा, प्लेसेंटा के द्वारा लेगा। दिस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, आपने देखा ये प्लेसेंटा होता है, इसके द्वारा ये एम्ब्रियो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जितना भी इसी के द्वारा इंजेक्शन करता है फूड को, इसी के द्वारा करता है एक्सट्रैक्शन करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जिस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ये आपका सर्विक्स है, वेगिना है, ये आपका यूट्रस जिसमें आपका एम्ब्रियो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रोइंग हो रहा है एम्ब्रियो। ये प्लेसेंटा है, इससे जुड़ा हुआ रहता है, ये इसकी जैसे कि आप देखते हैं नेवल से, यानी नाभि से जुड़ा हुआ रहता है। इसी के द्वारा क्या करता है, वो अपना एब्जॉर्ब करता है अपने न्यूट्रिएंट्स को, और इसके द्वारा एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, तो ये टिश्यू ये किसके द्वारा होता है, पॉसिबल, ये पॉसिबल यानी कि इट एसोसिएटेड विद मैटरनल टिश्यूज, किसके द्वारा, एंडोमेट्रियम। तो इट फॉर्म्स क्या कहलाते हैं, द प्लेसेंटा या विली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा प्लेसेंटा इन ह्यूमन बीइंग किस प्रकार से होता है। तो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो इट एक्ट करता है लाइक किसके द्वारा, लंग्स की तरह करता है, एक्सचेंज करता है O2 को और CO2 को, जैसे लंग्स करते हैं एक्सक्रेशन भी करते हैं और इंजेक्शन भी करते हैं, इसी प्रकार से प्लेसेंटा करता है। ठीक है,
तो ये साथ ही साथ प्लेसेंटा आल्सो अलाउज द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटस, हैंस इट एक्ट एज अ यूरेथर। मैंने बताया था कि एक्सक्रेशन करने का काम भी करता है ये, ठीक। एंटीबॉडीज, तो मैनी इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द मैटरनल सर्कुलेशन कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर टू कंफर्म अ पैसिव इम्यूनिटी इन द फोटस, ठीक है। मैनी ड्रग्स कैन ऑल्सो क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर्स, सम इम्पोर्टेंट आर पेथिडाइन एंड एनास्टेटिक्स, ठीक है। तो इट इज यूज होती है किसमें, ड्यूरिंग लेवर में। दिस ड्रग दस कैन डैमेज द फोटस को, किसको फोटो करती है, फोटस को डैमेज करती है, प्रोड्यूस करता है, प्लेसेंटा आल्सो प्रोड्यूस करता है किसको, हार्मोन्स को, विटल फॉर द प्रेगनेंसी, इसमें हेल्प करता है, सेक्रेशन करता है कुछ हार्मोन जैसे प्लेसेंटा, किसको करता है आपका, कोरियोनिक, आपका कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, आपका इसी प्रकार से एस्ट्रोजेंस, रिलैक्सिन, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। अब ये क्या होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन क्या करता है।